इस जगह पे पैराशूट की तैयारी चालू हो चुकी है। क्या सोच रहे हो, हम फिर से गोवा आ गए। यस, पिछली बार हम दोस्तों के साथ आए थे बाइक क्रूज, और मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग एक दिन हो चुका है हमको गोवा में। इस बार मैं आई हूँ फैमिली के साथ, और आज से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि जो चीजें हम आज करने वाले, जो एडवेंचर हम आज करने वाले हैं, वाटर स्पोर्ट्स और स्कूबा डाइविंग। 10 बड़े और 3 बच्चे हम लोग, तो 10 हम 11 लोग करने वाले, 2 बच्चे तो पानी के अंदर जा नहीं सकते। तो यस, हम लोग वहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं कैसा एडवेंचर। एक्चुअली गोवा में एक पैकेज होता है, तो हम लोग को 1750 में एक जन के लिए मिला है, जिसमें हमको सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक का पूरा पैकेज है। इसमें हमको कुछ स्नैक्स भी खाने मिलेंगे, तो जो जो हमको पूरे दिन मिल रहा है ये पैकेज में, सब आपको एंजॉय करें, सब बताएंगे आपको। तो सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहले हमें ये बस आती है लेने, हमें इस बस में चढ़ना पड़ता है। सॉरी, हम लोग सिर्फ है ना 2 से 2.5 घंटा सोए, इंक्लूडिंग मम्मी, सब लोग। हम लोग तो चलो ठीक है, यंगस्टर थे तो हम लोग सोचते हैं ठीक है उठ जाएंगे, बट मम्मी लोग को नींद बहुत जरूरी है। बट हमारे लिए बहुत चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, और मम्मी लोग की नींद भी पूरी नहीं है, होपफुली उनकी तबीयत खराब ना हो। सॉरी मम्मी, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा जल्दी प्लान करेंगे सब। सॉरी। और अभी बस वाले भैया एक एक कस्टमर को लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे जेटी पे। जेठालाल के बेटे, गाइस प्लीज आप लोग भी बोलो मम्मी मान जाए, चलते हैं आप लोग बच्चे। अब तो मान जाओ। सॉरी बाबा, सॉरी, जाने दे दो, होता है भी। तो हम बस से उतर गए हैं, और अभी हम इनमें से कोई एक फेरी में जाएंगे, तो 40 किलोमीटर। हम बोट में चढ़ने जा रहे हैं, दोनों बोट है, तो हम अभी रुक जा भैया। तो हम बोट में बैठ गए हैं, यहाँ पर बहुत सारी बोट है, तो सबके अलग अलग सेक्शन है। हमारा कैसे पता चलेगा, रिबन आई थिंक सबका पिंक है, लेकिन जो नॉट बांधते, मैं बोला ना नॉट क्यों बांधना है, सही बोला था ना। तो गाइस, मैं ये जैकेट बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती, बिकॉज इसमें से गंदी बात सारी की मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत देर तक पहनते रखा था, अपनी पहनती थी मैं स्विमिंग, मेरे को भी आ रही है बात, बट मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो डर लगता है। मानी की नहीं हसीना। अच्छा तो ठीक है, और ऊपर देखे वो जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वो है अकोड़ा फोर्ट, उसमें शूटिंग हुआ था, सिंगा मूवी का शूटिंग हुआ था। हाँ मालूम है, बम्बू वाला। सब कुछ होने के बाद हम चल चुके हैं अपने सफर में वापस। अभी अंकल ने बोला यहाँ पे 35 मिनट और लगेगा, तो देखते हैं आगे डॉल्फिन आने वाला है, वो भी दिखाएंगे कैसा, पहली बार देखूंगा तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलो डॉल्फिन आया तो बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी सी बहन मोहिनी, लड़का हूँ। गाइस वहाँ पे से नाश्ता पास हो रहा है, जैसे कि अंकल मुस्कान जी ने बताया था कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, तो कैसा पास हो रहा है, देखो बॉटल आ रहा है, फिर पानी आ रहा है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में, और मुझे टोकन नंबर मिला है 27। आया,
भैया। तो गाइस हम वेट कर रहे हैं जाने के लिए और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट सब लोग क्या दो दो करके ही जा रहे हैं, बट सेपरेट सेपरेट। तो हम लोग क्या चार लोग को एक साथ एक ही जगह पे जाना है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, बट थोड़ा सा टाइम जाएगा। जब कोई भी नहीं रहेगा तब हम चारों जाएंगे, तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। फिर होने के बाद तो रेडी हो चुके हैं, तो आगे मिलते चलो। आगे तो मेरा भी पहली बार है उनके साथ जाती हूँ, तो चलो पहुँचती हूँ अंदर, देखते हैं। आंटी मुस्कान दीदी, अरे आंटी क्या हुआ? अरे वो पकड़ के रखेंगे आंटी। ओ भाई इधर बना नहीं, सबका एक एक। क्या डरता है? हाय मैं डर गई मैडम, तुम नहीं डरी? मैं डर गई मैडम। ओके आंटी सिमरन दी मुस्कान जी सब लोग साथ में गए वहाँ पे। बट मच्छी ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। उन्होंने खुद गोप्रो से वीडियो बनाया जाते हैं, और अभी चलते हैं देखते हैं। पानी बहुत सॉल्टी था, मैं नाक में भी चला गया एक बार, बिकॉज ये वाले गाइड बहुत अच्छे, जो दूसरे वाले गाइड है शायद वो बिगिनर है, उनको जल्दी से आता नहीं है। अभी आरुष जाएगा, मुझे लेके चलना। तेरी अच्छी आई थी तो खड़ा हो जाएगा। और भी और भी हाय करो, हाय हाय करो दोस्त। डर लग रहा है, डर लग रहा है। मुझे तो चल रहा है, पानी में हम स्विमिंग कर रहे हैं जिसके कारण हमारी स्किन काफी ज्यादा टैन हो सकती है, बट थोड़े टैन वाले टैन है लेकिन उसके हम तो दो आरुष भी आ चुका है और हम अगले 10 मिनट बाद रिटर्न ऊपर आ जाएंगे। थैंक यू तुम्हारा। स्कूबा डाइविंग हो गया, देखा जाए तो मजा नहीं आया मेरे को, ब्लू 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 पानी बोल के कैमरन कौन से पानी में कूदा दिए थे, बट कोई नहीं। तो हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हम पैराग्लाइडिंग करेंगे, तो हमको पूरे 15 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में, तो हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब हम दूसरे बोट में ट्रांसफर हुए हैं, ये बोट थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, और हम करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग। क्या बोलते हैं
तो गाइस यहाँ पे पैराशूट की तैयारी चालू हो चुकी है। ट्रांसफर हो रहा है अभी हम दूसरे बोट में ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ जा रहे भैया? पैर कट रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। एक्चुअली हम बोट से उतर चुके हैं। हमारी क्या हालत हो गई है, 150-200 बोट चेंज करने के बाद अब हम कौन सा बीच, कोई तो बीच पहुंचे, लेकिन ये साउथ गोवा है। ये कौन सा बीच है? मोकमालो बीच, कोई ऐसा बीच है यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर हमें बनाना राइड, स्पीड बोट और जेटी, हाँ जेटी, तीनों चीज करेंगे। तो चलो देखते हैं। बनाना किया, बंपर राइड किया और जेट करके था, वो तीनों किया, तीनों कर दिया। वो लेटने वाला है, तीनों हम लोग ने इसलिए नहीं किया बिकॉज़ इनको स्किन में बहुत इचिंग हो रहा है और अभी तक उन्होंने मतलब सब कुछ था, लंच वगैरह सब कुछ था, बट सुबह से पोहा मिला और लंच अभी तक उन्होंने दिया नहीं। एक्चुअली वो लोग ये चीज की ज्यादा खाई में थे कि सब चीज जल्दी जल्दी करा दे, मतलब कस्टमर का कुछ यही नहीं कि बेचारे भूखे होंगे या कुछ होंगे, उन्होंने सब जल्दी जल्दी करवा दिया। खाने के लिए अभी तक नहीं पूछा, तो एक बीच जो हमने बताया था पहले वो बीच पे आके हम लोग अपना खुद ही खा पी कर फिर हम लोग रिटर्न जाए। गाइस आज का राइड हमारा यहीं समाप्त होता है। मुस्कान जी मैं हूं विजय। तो गाइस आज का राइड हमारा यहीं समाप्त होता है और हमने बाहर से खाना खा लिया जैसे मुस्कान जी आपको बताया है। मुस्कान जी क्या हुआ, थक गई हो? हाँ थक गई हो? नहीं अरे थैंक गॉड चली गई। और अभी हम लोग आ रहे हैं अपने घर की और होटल में जाके थोड़ा आराम करें और कल थोड़ा घूमेंगे, परसों जाएंगे मुर्देश्वर और ही मजा आ रहा है। सही बताओ स्कूबा डाइविंग एकदम बिल्कुल मजा नहीं आया, वहाँ आगे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा का सबसे बड़ा झूठ कि वो ब्लू पानी में मच्छियां दिखती है, पूरा काला पानी मच्छियां भी नहीं दिखती। क्या भैया स्कैम कर दिया हमारे साथ, बट लोग सब बहुत अच्छे थे, आप लोग सब बहुत अच्छे थे, थैंक्स। चलो बाय बाय। तो तैयार हो गए? रोज तैयार होते हैं आप ऐसे, अच्छा लगता है आपको? क्या कर रही हो ये, क्या चल रहा है? मैं नहीं फंसूंगी आई एम श्योर। तनिषा बच गया ना, गाइस वहां पे भीड़ थी तो ये लाइन से आ गए। इस ट्रिप के बाद हम आ गए हैं घर और मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी।
कि ये गोवा का सबसे बड़ा झूठ है। पानी ब्लू ब्लू बोला था, इतनी सारी चीजें दिखाई थी, इतनी सारी मच्छियां दिखेंगी, नीचे पर्ल्स और दुनिया भर की चीजें दिखेंगी, बट पानी के अंदर जाते ही पानी एकदम गंदा, मच्छियां भी एकदम सामने, वो भी गंदे पानी में, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी। ना खाना अच्छा, गिन चुन के एक दो मच्छी, वो लोग चावल का ऐसे ऐसे कर देते था कि और मच्छी है, बट बिल्कुल क्लियर नहीं था दिखने में। ऊपर से पैराग्लाइडिंग जो था वो भी 30 सेकंड्स के लिए था, और बाकी जो बनाना राइड ये वो एक्स वाई जेड कुछ भी मैंने तो इसलिए नहीं किया, बिकॉज एक तो इतनी धूप थी, ऊपर से वो लोग ने खाने के लिए भी ये सोचा कि नहीं नहीं पहले सारे एक्टिविटीज करा देते फिर खाना देंगे ताकि उन लोगों का भी टाइम बचे। वो लोग ने भी सब चीज एकदम जल्दी जल्दी खाई गई में, कि हम ही नहीं जितने भी लोग हमारे साथ उस बोट पे थे सबका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। हम सब पहली बार ही आए थे, दोबारा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही बेवकूफ बना सकते किसी को, दोबारा नहीं। तो गोवा का ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर इतने बड़े बड़े टूर्स और ट्रैवल्स की दुकानें हैं, पोस्टर पे इतना अच्छा अच्छा लगा हुआ होता है कि ऐसा वैसा, बट पूरा समझ रहे हो उसका 50% भी हो तो भी समझ में आता है, बट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था। मैं तो बिल्कुल बोलूंगी वेस्टेज ऑफ मनी है, बट मुझे ये चीज एक्सपीरियंस जरूर करनी है अपनी लाइफ में। तो मैं अंडमान या निकोबार आइलैंड में कभी जाऊंगी तो जरूर करूंगी, लेकिन भूलूंगी नहीं, करूंगी, बिकॉज मेरा बहुत मन है। तो ये आज का व्लॉग यहीं तक था। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई